आसिफ मुश्तबा साहब, जावेद नियादात की कप्तानी में भी आप खेले, इमरान खान साहब की कप्तानी में भी आप खेले। सवाल यह है कि जो जावेद नियादात सवाल उठा रहे हैं, इमरान खान साहब को डिपार्टमेंट क्रिकेट से इतना मसला क्यों रहा, क्योंकि वो तो खुद माजी में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के लिए खेले। अब ये तो ज्यादा बेटर वो बता सकते हैं, जैसे कि वो कहते रहे ना हमेशा जो सलमान ने बात की कि वो ऑस्ट्रेलिया की फॉर्म ऑफ क्रिकेट को ज्यादा फैंसी करते हैं, तो इसकी वजह से उनके वो ये आपको पता है या सिकंदर भाई को पता है कि उनकी आज की बात नहीं, जब से उन्होंने पीआईए छोड़ी थी उस वक्त से हम ये सुनते आ रहे हैं कि भाई डिपार्टमेंट नहीं होनी चाहिए और रीजन होनी चाहिए कि क्राउड आएगा और ये सब चीजें आएंगी, और ये चीजें होती रही है, रीजनल क्रिकेट होती रही है, सिटी आपस में खेलते रहे, डिपार्टमेंट अलग खेलते रहे हैं। लेकिन ये जो चीज है जो है, जो जावेद भाई ने हमेशा बोला बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, क्योंकि जो ने बड़ी पते की बात की, जो खेलने का टाइम है वो पढ़ने का टाइम है, तो एक बच्चा जो है, एक प्लेयर, वो एक वक्त में दो चीजें कैसे कर सकता है? अगर वो पढ़ भी ले तो एक नॉर्मल सी उसकी एजुकेशन होती है, जिसके बाद अगर वो क्रिकेट छोड़ भी दे या स्पोर्ट्स छोड़ भी दे तो उसके बाद उसको कोई नौकरी भी नहीं मिलनी, किसी की अच्छी खासी कोई किसी किसी में अच्छी नौकरी नहीं मिलनी। तो ये क्रिकेट ही जो है या स्पोर्ट्स ही जो एक क्वालिफिकेशन होती है, जिसकी वजह से जो प्लेयर्स को जॉब्स मिलती हैं, उसके बाद जब रिटायर होते हैं तो उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से उनको उनके ऑफिस पे चले जाते हैं, काम करते हैं। आपकी मिसालें बहुत सारी मौजूद हैं, बैंकों में हमारे रिटायर्ड क्रिकेटर्स अच्छी पोस्टों पर रहे, पीआईए में अच्छी पोस्टों पर रहे हैं, हर जगह अच्छी अच्छी पोस्टों में काम किया उन्होंने, क्योंकि एक स्पोर्ट्समैन है, अगर बेशक उसकी एक नॉर्मल सी क्वालिफिकेशन भी हो लेकिन उसकी कॉन्फिडेंस लेवल इतना अच्छा होता है वो अपने जॉब्स में जब जाता है तो वो उसकी डिसीजन मेकिंग जो है वो ज्यादा अफेक्टिव होती है दूसरों की बनिस्बत, क्योंकि वो निडर होता है। तो इस तरह वो काफी लोगों तक गए, पीआईए में लोगों ने जो है वो स्टेशन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, ओवरसीज पोस्टिंग की है। किसकी वजह से? वो कोई इतने ज्यादा कोई एब्सोल्युटली कोई हाईली क्वालिफाइड नहीं थे, लेकिन उनकी इफेक्टिवनेस जो उनकी जॉब की इतनी अच्छी थी, जो डिपार्टमेंट क्रिकेट में काम बहुत जरूरी आती है। लेकिन अफसोस कि हमारे जो 3 साल से क्रिकेट बंद है आपके सामने है, ये सेल्फ सस्टेन हो, जब तक सेल्फ सस्टेन हो ही सकता है, आप मोस्ट देन बिलियन ऑफ रुपीज पर ईयर खर्च करें, पैसा कहाँ से आएगा? वजह से कि वो पैसा जब डिपार्टमेंट क्रिकेट खेलती थी, डिपार्टमेंट क्रिकेट बोर्ड का तो एक पैसा खर्च नहीं होता था, ग्राउंड की फीस भी डिपार्टमेंट देती थी, अंपायर की फीस शायद बोर्ड देती थी, मतलब इवन हर चीज जो है ना, वो बॉलें भी जो भी एक्सपेंसिस थे वो डिपार्टमेंट खर्च करती थी, प्लेयरों का भी टेक के डिपार्टमेंट करती थी, तो बोर्ड का तो क्रिकेट बोर्ड का वो खर्च ही नहीं होता था। तो अभी जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसिस आ गए हैं, उसकी वजह से आप बहुत सारी चीजें जो आप चीजें खर्च कर सकते थे आप शायद नहीं खर्च कर पा रहे हैं। सिर्फ एक चीज का फायदा हुआ है कि हमारे जो रिटायर्ड क्रिकेटर्स हैं उनको मोस्टली जो है उनका फायदा हुआ कि बहुत सारी रीजन में और बहुत जगहों पर उनको कोचिज, असिस्टेंट कोचिज, सिलेक्टर्स और इस तरह की चीजें मिल गई। लेकिन हमें अभी अपने करंट प्लेयर के भी देखना है कि वो कैसे सर्वाइव करेंगे, वो कैसे सस्टेन करेंगे इस फाइनेंशियल मॉडल के अंदर, तो ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है। डिपार्टमेंट क्रिकेट बगैर ये ज्यादा देर तक चल नहीं सकती आपकी रीजन क्रिकेट, कब तक जो क्रिकेट बोर्ड है अपने जेब से पैसा खर्च करता रहेगा।